मैं हूं शोभा नंदन। सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है व्रत में खाया जाने वाला डोसा। व्रत वाला क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए एक मीडियम साइज के आलू को उबाल कर ले लेते हैं। एक मीडियम साइज के आलू के लिए एक चौथाई कप समा के चावल ले लेते हैं। चावल को कटोरी में डालकर वॉश कर लेते हैं। जितने हमने समा के चावल लिए हैं उससे 6 गुना ज़्यादा पानी लेकर उबलने के लिए रख देते हैं। मेजरमेंट कप की जगह पर आप कटोरी का भी यूज कर सकते हैं। जितनी मात्रा मैंने आपको चावल और आलू की बताई है उतनी मात्रा में आपके 4 बड़े साइज के डोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। सॉस पैन में पानी डालने के बाद गैस का नॉब ऑन करके पानी को उबलने के लिए रख देते हैं। पानी में उबाल आने के बाद वॉश करके रखे हुए चावल डाल देते हैं। दो तीन पिंच काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून सेंधा नमक डाल देते हैं। नमक की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें। पानी में चावल डालने के बाद जब पानी में उबाल आने लगे गैस का नॉब लो पे रखते हुए चावल को अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाने तक पका लेते हैं। समा के चावल पकते पकते काफी गाढ़े हो चुके हैं। समा के चावल को अब हम चेक कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से पक चुका है। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद चावल को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। चावल के ठंडा हो जाने तक डोसे के लिए फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 4 मीडियम साइज के आलू को उबाल कर ले लेते हैं। 2-3 पिंच काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून सेंधा नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें। आलू में नमक और काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद आलू को हाथों से या फिर पोटैटो मैशर या कद्दूकस करके फोड़ लेते हैं। डोसे की फिलिंग के लिए मैंने केवल सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर का यूज किया है। अगर आप इसमें मूंगफली को दरदरा पीस कर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। रेसिपी को मैं व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है। अगर आप बगैर व्रत के बनाएं तो इसमें अपनी पसंद के मसाले डाल सकते हैं। डोसे की फिलिंग को साइड में रख देते हैं। समा के चावल को चेक कर लेते हैं। समा के चावल अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। समा के चावल को पीसने के लिए ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिए। चावल के अंदर 1 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल देते हैं। उबाल कर रखे हुए आलू को भी बारीक कट करके डाल देते हैं। सेंधा नमक और काली मिर्च के पाउडर को मैंने चावल को उबालते समय डाल दिया था क्योंकि अब हमने इसमें थोड़े आलू डाले तो इसमें 2-3 पिंच नमक डालकर मिक्स कर लेते हैं। जिस कप से हमने चावल का मेजरमेंट लिया था 1/4 कप से उसी कप से 4 कप पानी डाल देते हैं। अगर आप पहाड़ी या चिप्सोना आलू का यूज कर रहे हैं मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसके अलावा दूसरे आलू का यूज अगर आप कर रहे हैं तो पानी की मात्रा थोड़ा कम रखिए। सब इंग्रेडिएंट्स को पीस लेते हैं। चावल को पीसने के बाद चावल को बाउल में निकाल लेते हैं। डोसा बैटर बाउल में निकालने के बाद बाउल को साइड में रख देते हैं। डोसे को सेकने के लिए तवा गरम कर लेते हैं। डोसा सेकने के लिए नॉनस्टिक तवे को गरम कर लेते हैं। तवे के हल्का सा गरम हो जाने के बाद तवे को चिकना कर लेते हैं। तवे को चिकना करने के बाद तवे के ऊपर डोसा बैटर डाल देते हैं। मैंने बड़े साइज के तवे का यूज किया है। इस तवे में 3 बड़े चम्मच डोसा बैटर आसानी से फैल जाते हैं। आप अपने तवे के साइज के हिसाब से डोसा बैटर तवे के ऊपर डालें।
डोसा बैटर को तवे के ऊपर डालने के बाद बैटर को चारों तरफ एक समान फैला देते हैं। बैटर डालने के बाद गैस की फ्लेम को हाई पे रखेंगे। डोसे में जब बबल्स कम नजर आने लगे गैस के फ्लेम को लो पे कर देंगे। गैस के फ्लेम को लो पे रखते हुए डोसे को कम से कम 10-12 मिनट के लिए सेकना है। डोसा हमारा एक साइड से सिक चुका है। जब डोसा सिक जाता है तो वो अपने आप ही किनारा छोड़ना शुरू कर देता है, ये आसानी से निकल जाता है। इसको निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन डोसा अगर कच्चा है तो वो आसानी से नहीं निकलेगा। डोसे को दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पलट कर सेक लेते हैं। डोसे को पलटने के बाद स्पैचुला से दूसरी साइड भी दबा दबा कर अच्छी तरीके से सेक लेते हैं। डोसे को फिर से पहली वाली साइड की तरफ से पलट लेते हैं। डोसे के दोनों साइड से सिक जाने के बाद तैयार करके रखी हुई आलू की फिलिंग को डोसे के ऊपर डालने के बाद फैला लेते हैं। डोसे के ऊपर आलू आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आलू को डोसे के ऊपर फैलाने के बाद डोसे को फोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डोसा कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। डोसे के सिक जाने के बाद डोसे को सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम तरीके से मैंने दूसरे डोसे को भी बनाकर तैयार कर लिया है। डोसा एकदम क्रिस्पी सिककर तैयार हुआ है। डोसे को फोल्ड करते समय भी वो टूट रहा है। एक डोसे को सेकने के लिए कम से कम 10 से लेकर 12 मिनट का समय लग जाता है। डोसे को अब हम सर्व कर लेते हैं। डोसे को सर्व करने के लिए मैंने व्रत वाली मूंगफली की चटनी के साथ सर्व किया है। डोसे का टेक्सचर भी चेक कर लेते हैं। डोसा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। डोसा बनाने के लिए चिप्सोना या फिर आप पहाड़ी आलू का यूज करें। आलू और चावल को पीसते समय अगर आपका ग्राइंडर जार छोटा है तो एक साथ सारे पानी का यूज ना करें, थोड़ा कम पानी लें। पीसने के बाद इसमें बाकी का पानी डाल लें। सारा पानी का एक साथ यूज करने से पीसते समय ग्राइंडर जार से पेस्ट बाहर निकल आता है। डोसा बनाने के लिए बैटर को हमें ना तो ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा। रेसिपी के लिए बताए गए इंग्रेडिएंट्स एकदम परफेक्ट है, इससे डोसा बैटर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। डोसा बनाने के लिए नॉनस्टिक तवे का यूज करें। तवे पे बैटर डालने के बाद गैस के फ्लेम को हाई पर रखना है। बैटर से जब बबल्स आने कम हो जाए गैस के फ्लेम को लो पर रख लें। उसके बाद गैस का फ्लेम लो मीडियम रखते हुए डोसे को 10 या 12 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन हो जाने तक सेक लेते हैं।